रियली डोंट लाइक खिचड़ी। इसको सेट कैसे करना है, मतलब ये बार बार आगे पीछे हुए जा रहे हैं, तो लाइटिंग कैसे आएगी मेरे मुंह पे? अब जो लाइटिंग आ रही है उसी में मैं बता रही हूँ। हाय, माय नेम इज़ तहरीम, माय फैमिली कॉल्स मी जेरी, और मेरे फ्रेंड्स मुझे जमालो बुलाते हैं और मैं ख़ुद को तहरी बुलाती हूँ, विच यू कैन नॉट, क्योंकि मुझे बहुत अजीब लगता है जब कोई और मुझे तहरी बुलाता है। तो यू कैन कॉल मी रीम। मैं पहले हेजिटेट करती थी कि कोई मुझे रीम बुलाए, क्योंकि रीम जो है वो, मैं बहुत ड्रामे देखती हूँ, ठीक है, रीम हमेशा ड्रामों में विलेन का नाम होता है, और मुझे नहीं चाहिए था कि मेरा नाम विलेन के नाम पे हो, जो वैम्प नहीं होती है उसके नाम पे हो। तो फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, रख लेते। अजीब लॉजिक्स। मैं अभी दिखाती हूँ कि मैंने कैमरा कहाँ पे रखा हुआ है, वो जो दरवाजे को खोलने वाली जगह नहीं होती है, उसके अंदर डाल दिया मैंने। तो बेसिकली मैं एक बहुत अजीब लड़की हूँ, मतलब इतनी इंतहाई अजीब कि मैं अपनी फैमिली के सामने भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। एक एक इंसान है मेरे अंदर जिसको मैं बाहर लाना चाहती हूँ, पर मैं उसको ला ही नहीं सकती। तो आई एम, मतलब मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरी वजह से सब खुश रहे, सब हंसते रहे, और मतलब हैप्पीनेस एवरीवेयर, लेकिन वो इंसान मुझसे बाहर आती ही नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर इतना ज़रा बराबर भी कॉन्फिडेंस नहीं है, समझ रहे हो? तो मैं हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट ही रहती हूँ। और पता है, मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी का क्या होने वाला है, क्योंकि आई डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस। और फिर मुझे बहुत रोना आता है इस बात पे कि मैं हर एक चीज़ से कैसे डर सकती हूँ। इंसान किसी चीज़ से डरता है, मैं सब चीज़ों से डरती हूँ। अभी मैं यही बात करते करते रो रही थी थोड़ी देर पहले वीडियो में, लेकिन मेरे फोन ने वीडियो नहीं बनाई लाल। तो वो लड़की नहीं आती बाहर कभी, मैं उसको बाहर लाना चाहती हूँ। और फिर कॉन्फिडेंस का कैसा है ना, कि लोगों को स्कूल में हेल्प मिलती है। सिट डाउन एंड टॉक अबाउट इट। लोगों को स्कूल में हेल्प मिलती है, ठीक है। मुझे स्कूल, आई हेट स्कूल, और बोलने के लिए नहीं, सिर्फ आई हेट हेट स्कूल, पता है। मुझे ज़िंदगी में बहुत अलोन फील हुआ है, क्योंकि मतलब नो पर्सनल इन्फो, कैंसिल कैंसिल। तो पहले से ही बहुत अजीब फील होता था। तो देयर इज़ दिस थिंग कि तुम हेल्प नहीं लेते हो, ठीक है, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि अगर तुम जाके हेल्प लोगे तो तुम्हें हर्ट होगा। और फिर देयर इज़ दिस थिंग कि तुम इस फेयर से निकल के जाके हेल्प लो और बदले में तुम हर्ट हो, उसका और बुरा लगता है। और ऊपर से तुम खुद को ब्लेम करना अलग शुरू हो जाते हो कि मतलब पहले ही नहीं जाना चाहिए था, और अजीब लग रहा है, और अजीब कर दिए सिचुएशन, समझ रहे हो? और ऊपर से जब लोग मजाक उड़ाते हैं तो मज़ा नहीं आता इंसान को, इंसान को बुरा लगता है। पता नहीं वाई डू पीपल डू दिस टू पीपल। एनीवेज, तो आई हेटेड स्कूल, आई फेल्ट अलोन इन स्कूल। पता है, मेरी एक टीचर है, तो आए ना, मैं अकेले बैठती हूँ ना तो मुझे डर लगता है, मेरे दिमाग में चीज़ें आने लगती हैं। तो पीपल इफ डोंट टॉक टू मी, मैं उनके साइड पे जाके बैठ जाती हूँ कि कोई तो है मेरे साइड पे, समझ रहे हो? तो हमारे स्कूल में ना ऐसा स्टाफ रूम टाइप से एरिया है, वो हॉल, हमारे स्कूल तो बिल्डिंग में ही है ना, मतलब नॉर्मल बिल्डिंग में, घर वाली। तो
देयर्स दिस एरिया जहाँ पे टीचर्स और स्टूडेंट्स बैठते हैं, और मैं जो है वहाँ पे जाके जब भी बैठती हूँ ना, देयर इज दिस टीचर जो वो मुझे कहती है कि अंदर जाके बैठो, क्लास में जाके बैठो, कहीं और जाके बैठो हमारे साथ, पर सब और तो बैठे हुए ना, मैं उधर क्यों नहीं बैठ सकती। एनीवेज इतना तो सही है। अब मैंने सोचा कि मैं अगर इनको बोलूं कि मुझे अकेले नहीं बैठा जाता तो शायद मुझे यहाँ पे बैठने दे। मैंने उनको बोला मुझसे अकेला नहीं बैठा जाता, मुझे डर लगता है। तो कहती है हम क्या करें, हमको तो अलाउड ही नहीं है, और मुझे वहाँ से निकाल के भेज दिया। उसके बाद से मैं उनके पास नहीं जाती, और फिर आई एम डन विद स्कूल यार, मुझसे नहीं हो पाता स्कूल, तो आई हैव टेकन अ ब्रेक फ्रॉम स्कूल। शायद यही वजह है कि एक अच्छी खासी टॉपर लड़की घर पे बैठ के कंचे खेल रही है। जस्ट किडिंग गाइस, मैं तो लूडो खेल रही हूँ। एनीवेज मैं हंस रही खुद के जोक पे। रुको रुको रुको, एक मिनट, मैंने गांव में कुछ क्लिप्स बनाई थी, वो तो देख लो। क्या आप कभी बहुत सारे लोगों में होके अकेले फील किया है? इंग्लिश खराब हो गई यार। क्या आपने कभी बहुत सारे लोगों में होके लोनली फील किया है? मैंने भी किया, लॉल। नहीं, असल में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन व्हाट डू आई डू, सब मुझसे बड़े, सब अपने काम कर, मैं क्या करूँ, समझ रहे हो? तो मेरे पास कोई काम नहीं है करने का। If you're lonely and you know it, clap your hands. If you're lonely and you know it, and you surely want to show it, clap your hands. अब मुझे और कोई काम नहीं है, तो मैं बैठ के कार्ड्स खेल रही थी। नहीं, खुद के साथ नहीं खेल रही थी, किसी और के साथ खेल रही थी। 2 days later. गप में घुस गए हम तो। किधरों जाने, मैं तो गप में घुस के जा रहा हूँ, मेरे को नहीं फर्क पड़ रहा। मैंने सही हाँ जनगण गीटो चका। खूबसूरत दस्त वीडियो चमला होती जी, मैं पोस्ट कर। आए दुई आलू अंद कट न अब भी अगर आई छे था ना हर ची आलू अस्ता है दुनिया च कोला कट मरसी चिप्स करू ने टाउन है छे अब कुकिंग आ दे ने कुकिंग आ लो न टाइम न जी मैं आज जबर कन मुझे चिप्स दिया आओ आज जबर कन मुझे चिप्स दिया अल्लाह है गया ना खाना फट दिया गवा वेलकम बैक दोस्तों। एनीवेज तो देर मैं क्या बात कर रही थी, देर डिस्कनेक्ट देर यू फील जब आप किसी से बात कर रहे हो, एंड आई नेवर कनेक्ट विद पीपल।
मुझसे मैं कनेक्ट नहीं कर पाती लोगों से, तो आई डोंट हैव फ्रेंड्स एज सच। एक फ्रेंड है मेरी बट आई डोंट हैव बहुत सारे फ्रेंड्स, एक सिर्फ एक फ्रेंड है मेरी। हाय अबिया, हेलो। तो फ्रेंड्स के साथ मेरा ऐसा है ना कि देयर इज दिस थिंग, यू गो टू स्कूल, यू मीट पीपल, घर आ गए, यू डोंट नो एनीवन। मतलब कि मुझसे नहीं हो पाता, मैं बात नहीं करती फिर, नो टैक्स। जैसे फ्रेंड्स होते हैं एक दूसरे को टैग करते, एक दूसरे से बात करते, टेक्स्ट करते, आई डोंट नो एनीथिंग। और वो भी मुझे वापस वो नहीं, टेक्स्ट नहीं करते, टैग नहीं करते। और फिर कॉल्स का तो ऐसा है कि आई गेट ऑकवर्ड ऑन कॉल्स। मैं अपने घर वालों के अलावा, मतलब अपनी अम्मी अबू और अपने सिबलिंग्स के अलावा किसी से कॉल पर बात कर ही नहीं सकती। इसने फिर से बोल दिया कि देयर इज नो स्टोरेज। है स्टोरेज, भैंस की आंखें, 1 GB की वीडियो लेके बोलते हो कि 30 GB, पीछे 30 GB पड़े हुए हैं यार। एनीवेज, तो यस, इसको ना थोड़ा सीधा कर देते हैं, फिर सर नहीं आता। मुझे पता है कि लंबे वीडियोज आर नॉट गुड फॉर वॉच टाइम एंड बहुत सारा स्टाफ, लेकिन मेरे को जो पसंद है मैं वो करेगी। तो तुम लोग को देखना है नहीं देखना है, आई डोंट केयर, मतलब आई डू केयर। मतलब ऐसा है कि अब मेरे को जो बोलना है ना, मेरे को वो बोलना है, समझ रहे हो? एंगल चेंज करना पड़ेगा, इन द नेम ऑफ एंगल चेंज करना पड़ेगा। मैं उधर से उठ के यहाँ पे बैठ गई हूँ क्योंकि आई डोंट हैव कोई भी जगह जहाँ पे जाके बैठूँ, और कोई आ गया था छत पे, तो मैं 1 घंटे के लिए नीचे जा गई थी और मैं वापस आ गई। अच्छा, कभी कभी मुझे लगता है मुझसे ये भी नहीं हो पा रहा, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। समटाइम्स आई फील कि मैं करूँगी क्या ज़िंदगी में, समझ रहे हो? मतलब लिटरली मुझे कैमरा से भी डर लगता है। कल मैं ब्लॉग करने की कोशिश कर रही थी और मुझे कैमरा से डर लग रहा था। लिटरली पता है, मैं कांच का गिलास उठा रही, मुझे हमारे घर में ना एक दावत थी तो बहुत सारे काम हो रहे थे, तो ना मुझे कोई भी कोई काम बता। बचपन में ऐसा नहीं था, बचपन में आई वॉज अ नो नॉनसेंस गर्ल, मतलब मैं किसी से बात नहीं करती थी, पर और ना ही मैं किसी से मतलब इंटरेक्ट करती थी, पर आई यूज टू डू देयर वर्क, मतलब मुझसे हो जाता था। लेकिन उस दिन कोई भी मुझे कुछ बता रहा था, मुझे डर लग रहा था कि मुझसे होगा नहीं, तो मैं उनको कहती थी नहीं मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर रही। तो इस बात पे आई कीप क्राइंग कि मेरा होगा क्या, आइडेंटिटी क्राइसिस शायद इसी को बोलते होंगे कि मैं क्यों हूँ, कौन हूँ। पता है मेरे अंदर बहुत कुछ है जो मैंने बहुत लोगों को, किसी को बताना है बस। और पता है मेरा जो अभी जब मैं ये वीडियो बना रही थी ना, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। अभी जब मैं 1 घंटे के लिए नीचे गई ना, आई रियलाइज्ड इट कि जब मैं वीडियो बना रही थी आई वॉज द हैप्पीएस्ट आई कुड बी। रोई वो अलग बात है, पर फिर आई वॉज द हैप्पीएस्ट आई कुड बी। मैं लिटरली ना उधर रो रही थी, आई थॉट कि वो कैप्चर हो गया, पर फिर मेरा फोन वीडियो नहीं निकाल रहा था क्योंकि स्टोरेज खत्म हो गई थी। एनीवेज, जब मैं जानबूझ के तो रो नहीं सकती,
कि वीडियो में डालना है मुझे रोने का, मुझे डालना नहीं है वीडियो में रोने का। ओके जो है वो ये है, क्योंकि वो वाली वीडियो नहीं है। अब जो मैंने बोला वो मैं जानबूझ के नहीं रोना चाहती, ना ही इट्स गुड फॉर मी। तो आई हैव दिस कॉन्स्टेंट पॉडकास्ट गोइंग इन माई माइंड, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो आई थॉट कि मैं वो शेयर करूँ, क्योंकि आई हैव अ लॉट ऑफ स्टफ टू टॉक अबाउट। और मेरा एक अजीब फिलॉसफी आती रहती है दिमाग में, तो आई वॉन्ट टू शेयर मेरी एक थ्योरी शेप के बारे में, किसी और वीडियो में शेयर करूँगी, लेकिन बहुत मज़ेदार थ्योरी है। नींद होती है ना, उसमें मैं पूरा टाइम सोचती रहती हूँ और कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है दिमाग में। तो वही है, दैट्स व्हाट आई वांट टू शेयर। बेसिकली आई वांट टू शेयर माय जर्नी ऑफ बिकमिंग कॉन्फिडेंट, साथ में मेरी फिलॉसफीज भी आती रहेंगी। मेरी फिलॉसफीज ना किसी को समझ नहीं आती है क्योंकि वो होती ही इतनी बकवास है। वापस से सेम ट्राइपॉड और सेम लाइट आगे पीछे हो रही है। अब मैं इसको कैसे बनाऊँ, मुझको नहीं पता कैसे होता है। इतना भी कम नहीं करना, काफ़ी है शायद। आई डोंट नो व्हाट इज दिस, क्या हो रहा है जिंदगी में। इस शक्ल हो ना मेरी बेस। तो आई जस्ट वांटेड टू से समथिंग के जॉइन मी इन माय जर्नी ऑफ गेटिंग कॉन्फिडेंट। और एक दिन आप मुझे देखोगे, मैं व्लॉग कर रही होगी ताऊ शॉपिंग सेंटर में। यस, मैं ताऊ शॉपिंग सेंटर में आपको व्लॉग करते हुए मिलूंगी। बट फॉर नाउ बाय। कुछ भी नहीं है फ्रिज में। एनीवेज मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ। आई हेट माय सेल्फ।